हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बना रहे हैं एग करी, और उसके लिए मैंने ये छः अंडे लिए हैं, और ये 3 आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। और अब करना ये है कि फोक से आपको इन अंडों में छेद करने हैं ऐसे हल्के हल्के, ताकि हम जब अभी इसमें मसाला हम लगाएं तो वो, और जब हम ग्रेवी तैयार करें तो वो इसके अंदर तक चला जाए। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कि मैंने इन सब में फोक से ये इसमें छेद कर दिया है, और अब मैं इसमें मसाले लगाऊंगी। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अब इसमें 1 चम्मच ही मैं हल्दी डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हो मैंने इसमें मसाले अच्छी तरीके से लगा दिया है, और ये मसाले मैंने इसलिए लगाया है कि ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर अंदर तक चला जाए। और आप ये देख सकते हो। अब मैं जब तक बाकी की प्रिपरेशन करती हूँ, तब तक मैं इसे साइड में रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, अब इसे मैं बारीक काट लूंगी। उसके साथ ही मैंने ये 3 हरी मिर्च ली है, ये 3 टमाटर लिए हैं, इसे भी मैं बारीक कट कर लूंगी। ये आप देख सकते हो कि मैंने प्याज भी बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्च भी और टमाटर भी। अब हम अपने खड़े मसाले निकाल लेंगे। ये मैंने बर्तन चढ़ा दिया है, अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। इसमें मैंने ये 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, और अब इसमें हम एग फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हो एग फ्राई हो गया, मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखो मैंने एग निकाल लिया है, और आगे ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसी तेल का इस्तेमाल करूंगी। अब ये ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसमें मैं ये 2 बड़े इलायची डाल रही हूँ, 4 ये इलायची, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े। अब ये फूल डाल रही हूँ मैं, कर्ण फूल बोलते हैं ऐसे, 8 से 10 ये गोल काली मिर्च, गोल मिर्च, 2 तेज पत्ता डालेंगे। अब इसमें मैं ये 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है, अब इसमें मैंने ये प्याज डाल दी है, हल्का फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैंने ये 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब आप देख सकते हो कि हमारा मसाला फ्राई हो गया है, प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है, और तेल इसके किनारों पे आ गया है। अब इसमें मैंने ये टमाटर डाल दिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर डाला है तो हमने इसमें ये नमक भी डाल दिया है 1 चम्मच। अब आप ये देख सकते हो कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, टमाटर भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं ये 1/2 चम्मच इसमें मैं ये 1/2 चम्मच हल्दी डाला है मैंने, और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अब इसमें मैंने ये आलू मैश करके डाल दिया है, इसे अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के, और फिर हल्की ग्रेवी जितनी आपको रखनी है उतनी आप ग्रेवी रख के इसमें मैं फिर एग डाल दूँगी। मुझे जितनी ग्रेवी रखनी थी जिस हिसाब से मैंने उतना ही पानी इसमें डाला है, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अब बस मैं इसमें बॉईल आने का इंतज़ार करूँगी, और फिर मैं इसमें अपने एग डाल दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये बॉईल आने लग गया है। अब मैंने ये जो एग फ्राई करके रखे थे वो इसमें मैं डाल दूंगी।
अब इसमें मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 चम्मच। ये आप देख सकते हो कि ये मेरी एग करी बनके तैयार हो गई है। और मुझे जितनी ग्रेवी थिक लगनी थी मैंने उसी हिसाब से इसको रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब बस मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एग करी बनके तैयार है, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसे ज़रूर आप बनाइए और एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। और मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।